नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या लाल और आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। आइए देखते हैं आज की खबरों। हैदराबाद चक्करपल्ली में एक व्यक्ति की हत्या। हैदराबाद में सोमवार की रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक फुटपाथ निवासी की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। शीनू के रूप में पहचाने जाने वाले पीड़ित चक्करपल्ली के विवेक नगर में फुटपाथ पर सो रहे थे, जब अज्ञात लोगों ने उनके सर पर पत्थर से हमला किया। पुलिस को संदेह है कि पीड़ित को गंभीर रक्तस्राव की चोटें लगी और उसकी मौत हुई। सूचना मिलने पर चक्करपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस को संदेह है कि व्यक्ति को जानने वाले कुछ लोगों ने कुछ मुद्दों पर उसकी हत्या की होगी। निरीक्षक की फटकार, सेंटर के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। श्री चैतन्य कॉलेज के इंटर की छात्रा 17 वर्षीय रमा देवी परीक्षा हॉल में निरीक्षक द्वारा डांटे जाने से काफी आहत थी और उसने कॉलेज छात्रावास के कमरे में फांसी लगा ली। घटना सोमवार को मेडपल्ली थाना क्षेत्र की है। विवरण के अनुसार कुरनूल जिले के बालमुरु मंडल के चेनचुगुडा गांव के खेतिहर मजदूर निमल्ला रामूल की बेटी रमा देवी मेडचल जिले के शेरजादी गुड्डा के श्री चैतन्य कॉलेज में बीपीसी के प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। महाशिवरात्रि के लिए 2427 विशेष बसें। हैदराबाद आरटीसी ने महाशिवरात्रि के मौके पर विशेष बसें चलाने की योजना बनाई है। इस महीने की 18 तारीख को 2427 बसें चलाने का फैसला किया गया। अधिकारियों ने खुलासा किया है कि ये बसें 17 से 19 तारीख तक राज्य के विभिन्न हिस्सों से 40 शैव क्षेत्रों तक 3 दिनों तक चलाई जाएगी। श्रीशैलम के लिए 578, विमलावाड़ा के लिए 481, केसरगुट्टा के लिए 239, एडुपाया के लिए 497, रेला के लिए 60, कालेश्वरम के लिए 51, कोमोरा वैली के लिए 52, कोंडागट्टू के लिए 37, आलमपुर के लिए 16, रामपा के लिए 15 और उमा महेश्वर के लिए 14 और बसें चलाई जाएंगी। कलेक्ट्रेट पर दंपति ने की आत्महत्या की कोशिश। जनगमा जिले के एकीकृत समाहरणालय पर सोमवार को एक दंपति ने है आरोप लगाते हुए खुदकुशी करने की कोशिश की कि कुछ राजस्व अधिकारियों ने उनके दादा से विरासत में मिली जमीन को दूसरों के नाम दर्ज कराई है। विवरण है कि ये तीसरी बार है जब उन्होंने इस मुद्दे पर आत्महत्या की कोशिश की। इस बीच नरसिंह राव ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन तहसीलदार रमेश वी आर ओ क्रांति ने अपने दादा से विरासत में मिली 4 एकड़ जमीन उसी गांव के कुछ लोगों के नाम दर्ज करा दी। उन्होंने कहा कि जितनी बार तहसीलदार आरडीओ और कलेक्टर कार्यालयों के चक्कर लगाया कोई नतीजा प्राप्त नहीं हुआ। तेलंगाना की अमेरिका में अच्छी प्रतिष्ठा है। तेलंगाना 18 देशों में फैली कंपनियों से निवेश हासिल करने में सफल रहा है। आरडीओ उद्योग के प्रधान सचिव जयेश रंजन ने कहा कि अमेरिका से आने वाले निवेश की संख्या और आकार शीर्ष 17 देशों के तुलना में लगभग 8 गुना है। सोमवार को उद्योग निकाय इंडियन अमेरिकन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैदराबाद चैप्टर के लॉन्च पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना और अमेरिका के बीच संबंध दशकों पुराने हैं। उन्होंने कहा कि जहां दुनिया में करीब 200 अमेरिकी वाणिज्य दूतावास हैं, वहीं हैदराबाद में सबसे ज्यादा छात्र वीजा जारी किए जाते हैं। हैदराबाद आयुक्तालय में 13 और कानून और व्यवस्था पुलिस स्टेशन होने की संभावना। इस आशय के लिए राज्य सरकार से हैदराबाद में 13 नए पुलिस स्टेशन, 11 पुलिस डिवीजन और 2 कानून व्यवस्था क्षेत्र बनाने की अनुमति के अनुसार आदेश जारी करने की उम्मीद है। जिन नए पुलिस थानों के स्थापित होने की उम्मीद है में बोराबंदा, बारसीगुड़ा, तदगुम, वंदनागुड़ा, डोमलगुड़ा, झील थाना, IS सदन, टोली चौकी, बुढ़ी मकालपुर, मसाब टैंक, फिल्म नगर, रहमत नगर और हैदराबाद। GSDP अनुपात में सबसे कम ऋण वाले 5 राज्यों में तेलंगाना। तेलंगाना लगातार 3 वित्तीय वर्षों के लिए GSDP अनुपात में सबसे कम ऋण वाले 5 प्रमुख राज्यों में से एक है। 2021-22 के अंत में राज्य का कुल बकाया कर्ज 983,452 करोड़ रुपए था। सोमवार को लोकसभा में सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न सवालों के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि मार्च समाप्त होने वाला है। वित्तीय वर्षों के लिए तेलंगाना ने 5वां सबसे कम कर्ज दिया है और GSDP अनुपात क्रमशः 28.2, 27.4 और 28.2 है। संबंधित वर्षों के दौरान महाराष्ट्र ने संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए देश में 20.2, 18.7 और 19 के साथ सबसे कम ऋण GSDP अनुपात। गर्मी नजदीक आते ही हैदराबाद के बाजारों में संतरे खरबूजों की बाढ़ सी आ गई है। बता, सिंगाराम और जामबाग के फल बाजारों में तरबूजों की आवक ने कई लोगों को खुश कर दिया जो रसदार और ताजा गर्मी के फल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोमवार को महबूबनगर, जहरीबाद, जोगुलम्बा, गढ़वाल और पड़ोसी महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ जिलों से तरबूज के 50-80 ट्रक बटा सिंगाराम फल बाजार में पहुंचे। आने वाले दिनों में गर्मी के फलों की आवक और बढ़ने की उम्मीद। हैदराबाद गांधीपेट में कार में आग लग गई, जिसमें सोमवार दोपहर एक कार में आग लगने के दौरान यात्रा कर रहे 3 लोग चमत्कारिक रूप से बच गए। पुलिस के अनुसार कार गांधीपेट MJIT कॉलेज से शहर की ओर जा रही थी, तभी चालक ने वाहन से धुआं निकलते देखा। तुरंत वो गाड़ी से उतरा और चंद ही मिनटों में कार के इंजन में आग लग गई और पूरी कार के आग लग गई। अब हैदराबाद चिड़ियाघर यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करें। हैदराबाद शहर के नेहरू
जूलॉजिकल पार्क में आने वाले लोग कुछ ही क्लिक के साथ अपना टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, क्योंकि वानिकी और पर्यावरण मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने सोमवार को एक ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया। अधिकारी के अनुसार ऑनलाइन बुकिंग करने वालों को टिकट उनके मोबाइल फोन पर मिल जाएगा, जिससे वो चिड़ियाघर में प्रवेश करके विशेष प्रवेश द्वार पर स्वाइप कर सकते। चलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप देखते रहिए नव भारत समाचार।